लौकी का जूस जो है तेजी से वजन को घटाता ही है और ये काफी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ और आज मैं सेहत से भरपूर लौकी के जूस के बारे में बताऊँगी। और ये लौकी का जूस बहुत ही अच्छा होता है, पित्त को कंट्रोल करता है जिससे हमारे दिल की कई बीमारियाँ दूर होती हैं। तो चलिए बनाते हैं लौकी का जूस। लौकी का जूस बनाने के लिए आपको इस तरह की लौकी चाहिए, सॉफ्ट लौकी। और यहाँ पर देखिए, मैं आधा ही लौकी लूँगी जूस बनाने के लिए। तो पहले आपको लौकी कट कर लेनी है और ये ऊपर वाले हिस्से को अच्छे से छील लेना है। और आपको जूस बनाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लौकी का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा कट करके चख लीजिए कि ये लौकी कहीं कड़वी तो नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये लौकी कड़वी नहीं है और अब मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। ये बहुत ही आसानी से लौकी का जूस बन जाता है। और ये मैंने बताया कि अगर आप रोज़ सुबह इस तरह के लौकी का जूस पियेंगे खाली पेट, तो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। और अगर आप मतलब लौकी खाना नहीं पसंद करते, तो मैं आज इसके फ़ायदे भी बताऊंगी, तो उसको जान के आप ज़रूर ही लौकी का जूस पियेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लौकी के साथ एक प्याज भी लिया है, प्याज भी कट कर लिया है। अगर आप प्याज खाना पसंद करते हैं तो आप प्याज डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और मैंने देखिए एक टमाटर भी कट कर लिया है। तो ये सब चीज़ मुझे एक कुकर में डाल के इसको एक सीटी तक आने तक इसको मुझे बॉयल कर लेना है। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये लौकी का जूस, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये लौकी जो है हल्की सब्जियों में गिनी जाती है और इसलिए पेट को मतलब भारीपन नहीं रखता है। और यहाँ पर देखिए, मैं एक गिलास पानी डाल रही हूँ, तो बस मैं एक गिलास पानी डाली हूँ और मैं कुकर को बंद करके एक सीटी आने तक पकाऊँगी। तो अगर आप लौकी का जूस जो पीने से फ़ायदेमंद होता है, यहाँ पर देखिए लौकी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। और अब मैं इसका पानी एक साइड में गिलास में निकाल ली हूँ और ये लौकी को मिक्सर में डाल के मैं इसको अच्छा सा पेस्ट बनाऊँगी। लौकी का प्रतिदिन जूस पीने से आपको मतलब आपकी प्राकृतिक चमक आती है, मतलब चेहरे पर चमक आ जाती है। तो ये देखिए, पेस्ट भी अच्छे से तैयार हो चुका है। और अब इस पेस्ट को मैं एक कढ़ाई में या कोई भी बर्तन में भी आप अच्छे से छान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कढ़ाई में छान रही हूँ। तो ये देखिए, स्ट्रेनर की मदद से मैं सारे लौकी के जूस को अच्छे से छान लूँगी। तो ये मैंने इस तरह डाल के और चम्मच की सहायता से दबा के जूस को मुझे निकाल लेना है। तो ये लौकी का जूस एक आदर्श पेय माना जाता है और बहुत ही अच्छा होता है कोलेस्ट्रॉल के लिए। लौकी को भोजन में शामिल करने से कई हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को आसानी से आप कम कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो थोड़ा सा नीचे मेरा मिक्सर में लगा है, मैं जो बचा हुआ पानी था मैं एक साइड गिलास में रखी थी, उसको भी इसमें डाल के मैं निकाल लूँगी। बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए लौकी। इसमें मैंने बताया कि विटामिन ए, विटामिन सी, थायमिन और इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, अच्छी मात्रा में जिंक भी पाया जाता है। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। तो ये देखिए, ये सब चीज़ को मैं अच्छे से छान ले रही हूँ। तो ये सारे चीज़ों को मैंने अच्छे से छान लिया है और ये बस थोड़ा सा ही जो गूदा बचा है इसको आप निकाल दीजिए। इसको आप फेंकिएगा मत, किसी सब्जी में भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैं इसको ऐसे निकाल के एक साइड में रख लूँगी। इस लौकी को पौष्टिक सब्जियों में कहा जाता है और इसको घिया भी कहते हैं। कुछ लोग इस लौकी को दूधी के नाम से भी जानते हैं। इस लौकी में काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है अच्छे से कार्य कर सकता है और कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो अब मैं गैस का फ्लेम मीडियम रखी हूँ और इसको पकाना है। यहाँ पर देखिए, मैंने कूटा हुआ काली मिर्च मैंने इसमें डाल दिया है और कुटा हुआ काली मिर्च डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर देखिए, भुना हुआ जीरा मैंने डाल दिया है और यहाँ पर अब मैं काला नमक डालूँगी। तो काला नमक डालने से भी बहुत ही अच्छा लौकी का जूस होता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा काला नमक डाल दे रही हूँ और अब मैं पुदीने का पत्ता भी डाल के इसको अच्छे से मिला लिया है और इसको मुझे थोड़ा सा पकाना है। तो देखिए, बॉयल आ चुका है, यानी कि ये जूस जो है लौकी का एकदम रेडी हो चुका है। और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और सबसे ज़रूरी चीज़ यानी कि नींबू का रस, अब मैं एक नींबू को अच्छे से निचोड़ ली हूँ और मैं उसको उसमें मिला दूंगी।
तो अगर आप मतलब लौकी का जूस रोज पियेंगे सुबह खाली पेट, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है। और लौकी का जूस पीने से मोटापा तो दूर होता है, लेकिन जो इसमें पित्त कंट्रोल करता है, इससे कई दिल की बीमारी, हाई बीपी की समस्या से आपको निजात मिलता है। लौकी का जूस एक आदर्श पेय माना जाता है, और अगर आप अपने स्किन पर ग्लो चाहते हैं और अपना वजन घटाना चाहते हैं, तो आप इस तरह का पौष्टिक जूस जरूर ट्राई करिएगा। ये हमारे मांसपेशियों की कार्य क्षमता को सुधारता है। तो आपको अगर प्रतिदिन तरोताज़ा बना रहना है, तो इस तरह के जूस को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये काफ़ी हेल्दी होता है। और फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लौकी का जूस ट्राई करें, तो लौकी को ज़रूर चख लें कि ये लौकी कहीं कड़वी तो नहीं है। तो अब आप ऐसे लौकी का जूस बनाइए और अपना वज़न घटाइए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये लौकी का जूस कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।